बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद के दिनों में जो लॉकडाउन है उसके हवाले से कुछ अहम हिदायत हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त सवाल कर रहे थे ईद के लॉकडाउन के हवाले से, तो मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ बताता चलूँ कि जुमा के दिन शाम 5 बजे से लॉकडाउन का आगाज़ हो चुका है। 24 घंटे का लॉकडाउन का आगाज़ हो चुका है और ये लॉकडाउन 27 मई बरोज़ बुध तक रहेगा। इस दौरान तमाम बकाले और इसके अलावा जितनी भी सुपर मार्केट्स हैं उनको खुलने की इजाज़त है, 24 घंटे वो खुले रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपने बाहर जाना है, कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए आपने जाना है, आपने बकाला पे जाना है या किसी भी काम से अगर आपने घर से बाहर निकलना है, तो उसके लिए अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया, टाइमिंग नहीं बताई गई। इंशाल्लाह कल की डेट में वो भी आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो ही नोटिफिकेशन आएगा इंशाल्लाह आपको आगाह कर देंगे। इसके अलावा एक और बहुत अहम अपडेट सामने आई है कि जितने भी लोग जिनके पास कर्फ्यू पासेस मौजूद हैं, जिनके पास पुराने कर्फ्यू पास हैं, उनके कर्फ्यू पास वैलिड हैं, उनके कर्फ्यू पास कैंसिल नहीं किए गए। और ये भी कहा गया कि अगर कैंसिल किए गए तो बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा, लेकिन अभी तक आपके कर्फ्यू पास चलेंगे, उन कर्फ्यू पास को आप अभी तक इस्तेमाल कर सकते हैं ईद के दिनों में भी। लेकिन एक और अहम चीज़ है कि अगर आपके पास कर्फ्यू पास मौजूद है और अगर आप उस कर्फ्यू पास की आड़ में किसी को सहूलत देते हैं, यानी अगर आप किसी भी कंपनी में, मेडिकल कंपनी में काम करते हैं, किसी वकाला पे काम करते हैं, या फिर आप किसी कम्युनिकेशन कंपनी में काम करते हैं और आपके पास गाड़ी भी है, तो अगर आप गाड़ी में किसी और को साथ बिठा लेंगे तो ये वायलेशन में आएगा और ऐसी सूरत में आपको 1 महीना से लेकर 1 साल की कैद भी हो सकती है। इसी तरह आपको 10,000 रियाल से लेकर 1,00,000 रियाल तक जुर्माना भी हो सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको ये सज़ा भुगतने के बाद, जुर्माना अदा करने के बाद, आपको सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और लाइफ टाइम आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मोहतात रहें खुद भी और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो मोहतात रहें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।